स्वागत है आपका सैनी हेल्थ केयर फार्मेसी अ कंप्लीट हेल्थ केयर सेंटर में। हमारे यहाँ अंग्रेजी, देसी व पशुओं की दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स, ग्रीन टी, सर्जिकल आइटम्स, हर प्रकार की वैक्सीन, फूड सप्लीमेंट, स्ट्रेमर, हेयर ड्रायर आदि, व्हीलचेयर, थर्मोमीटर, नेबुलाइजर, शुगर मशीन होलसेल रेट पर मिलती है। कैसे हो विकास शहर का जब पूरे शहर के नाले गंदे पानी से हो ओवरफ्लो। सही मायनों में तो बारिश अभी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन खरखौदा शहर के नाले और शिव व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है। शहर में सोमवार की रात्रि हल्की सी बारिश होने से सब्जी मंडी में पानी भर गया, जिससे शहरवासी काफी परेशान है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि बीती रात्रि को हुई बारिश से दिल्ली रोड खरखौदा की सब्जी मंडी में गंदे पानी का भराव हो गया। दुकानदारों का कहना है कि सब्जी मंडी के पानी को पंप द्वारा निकालकर नालों में डाला जा रहा है, जबकि पूरे खरखौदा शहर के नाले पहले ही ओवरफ्लो है और उन नालों का गंदा पानी हमारी दुकानों के आगे जमा रहता है और ना तो इन नालों की कभी सफाई होती है और ना ही इस गंदे पानी की कोई निकासी है। यही नालों में ये गंदा पानी सड़ता रहता है और हर समय बदबू उठती रहती है। कई बार शिकायत देने के बाद भी प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। उन्होंने प्रशासन से नालों व शिविरों की सफाई की मांग की है। इस मौके पर जोगेंद्र, अरुण, अन्नु, राजेंद्र हलवाई, नीटू, हुकमचंद, राजेश, ब्रिजभूषण, परवीन आदि अन्य दुकानदार मौजूद रहे। मेरा नाम विनोद है जी। नई सब्जी मंडी का मुख्य गेट है जो कि थोड़ा बरसात में पानी होता है, यहाँ पे मिनट में इकट्ठा हो जाता है और जो कि मंडी का पानी जो है रोड पे छोड़ा जाता है, बदबू का पानी है, सीवर जो है सारे भरे पड़े हैं, कोई सफाई नहीं है, कोई निकासी नहीं है। किसी भी विभाग के अधिकारी को सूचना दी है आपने? सूचना दो बार दे चुके जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपका कहना मतलब ये जो मंडी का जो गंदा पानी जमा होता है उसको रोड पर छोड़ा जा रहा है? हाँ जी, और बदबू बहुत ज़्यादा पानी की है और इससे जो है दुकानदार परेशान है। तो अभी आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं जी मंडी का पानी नालों में छोड़ा जाए, नालों की सफाई हो जाए ताकि इससे जनता परेशान ना होए। हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।